चार गोरी जेठानियों की इकलौती काली देवरानी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, ना बैंड बाजा ना ही बाराती खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। स्वाति, अर्पिता, करिश्मा और ऐश्वर्या ढोल ताशे के साथ नाचते गाते हुए अपने देवर दीपक की बारात के साथ बैंक्वेट हॉल पहुंचती हैं, जहां दुल्हन के जोड़े में कंगना स्टेज पर बैठी होती है। तभी जयमाले का वक्त होता है और अर्पिता कंगना के कान में फुसफुसाती है, देवरानी चाहे कुछ भी हो जाए, जयमाले में झुकना मत। तभी कंगना घूंघट में से जवाब देती है, जी जेठानी जी। जैसे ही कंगना दीपक के गले में माला डालने वाली होती है तो वो तन कर खड़ा हो जाता है और चारों जेठानी अपनी देवरानी को उठाकर जयमाले की रीत पूरी करती हैं, जिसे देखकर दूर खड़ी संगीता गुस्से में बड़बड़ाने लगती है, देखो तो जरा मेरी ये चारों गोरी बहुएं कैसे गोंद की तरह अपनी देवरानी से चिपकी हुई हैं। थोड़ी देर में दीपक और कंगना की शादी हो जाती है और चारों जेठानियां पूरे रास्ते बारात में नाचते गाते हुए घर आती हैं और साथ मिलकर अपनी देवरानी का स्वागत करती हैं। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। फिर चारों जेठानी कंगना को अंदर लाती हैं और तभी मॉडर्न कामिनी कहती है, अरे अब मुंह दिखाई शुरू करो भाई, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी देवरानी कितनी सुंदर है। दिखाते हैं कामिनी आंटी, रुको जरा, पहले हमारी देवरानी को सांस तो लेने दो। थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई शुरू होती है, मगर जैसे ही कामिनी कंगना का काला चेहरा देखती है तो कंगना के काले रंग की हंसी उड़ाती है, अरे मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी देवरानी तुम चारों की तरह गोरी और सुंदर होगी, मगर ये तो बड़ी काली है। वैसे अच्छा ही है, ये तुम्हारा काला टिक्का बनकर रहेगी। अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर कंगना की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिससे गुस्से में आकर स्वाति कहती है, इनफ कामिनी आंटी, आपको कोई हक नहीं हमारी देवरानी को कुछ भी कहने का, और दूसरों को जज करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 60 की उम्र में भी सबको यही कहती फिरती है, अभी तो मैं जवान हूँ। स्वाति की इस बात पर तीनों जेठानी भी ठहाके मार कर हंस पड़ती हैं। अपनी बेइज्जती देखकर कामिनी चिढ़कर वहां से चली जाती है। तभी संगीता अपनी बहुओं को फटकारते हुए कहती है, बंद करो तुम चारों अपनी यही ही ही ही। ये कहकर संगीता कमरे में चली जाती है। अपनी देवरानी को माफ कर दीजिए जेठानी जी, मेरे कारण आप सभी को डांट खानी पड़ी। अरे मेरी इकलौती देवरानी, हमसे माफी मत मांगो, चलो हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आते हैं। अगली सुबह कंगना नहा धोकर किचन में आकर सहमी हुई अपनी सास संगीता से कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? आज तेरी पहली रसोई है तो खाने में पूरी, छोले, पुलाव और हाँ मीठे में खीर बना देना। कंगना किचन में आकर खाना बनाती है। तभी करिश्मा कहती है, यार हम चारों जेठानी खाने की इस मेज पर जमी हुई है, मैं देख कर आती हूँ देवरानी जी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। रुको करिश्मा बहू, कोई जरूरत नहीं है किचन में जाने की, आईएएस की परीक्षा देने नहीं बैठी है तुम्हारी देवरानी, जो मदद लगेगी। काफी देर बाद कंगना मेज पर खाना परोसती है। जैसे ही संगीता खाने का निवाला चखती है तो उसे थूक देती है, क्यों री कंगना बहू, अपने मायके वालों को ऐसा ही जला हुआ खाना खिलाती थी क्या? जरा देखो इन पूरियों का हाल, जलकर पापड़ हो गई है और छोले पूरी तरह से घुल गए हैं, न रूप है न गुण, आज से तू मेरा खाना नहीं बनाएगी, जली हुई उपली। अपनी सास के दिए गए तानों पर कंगना फूट फूट कर रोती है, जिस पर चारों जेठानियां उसे चुप कराती हैं। चुप हो जाओ देवरानी जी, क्योंकि हम अपनी इकलौती देवरानी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम तुम्हें खाना बनाना सिखाएंगे। चारों जेठानी अपनी काली देवरानी को खाना बनाना सिखा देती हैं, जिस पर कंगना कहती है, जेठानी जी जब शादी के दिन मैंने आप चारों को पहली बार देखा था तो मुझे लगा आप चारों बहुत घमंडी होंगी, मगर आप बहुत अच्छी हैं। चारों जेठानियां अपनी काली देवरानी के साथ बहन बनकर रहती, जिसे देखकर संगीता कहती है, मेरी गोरी काली बहू के बीच का ये प्यार मुझे गवारा नहीं, कुछ कर संगीता। उसी शाम संगीता अपनी चारों गोरी बहुओं के लिए ढेर सारी खरीदारी करके घर आती है। करिश्मा, ऐश्वर्या, अर्पिता, स्वाति, अरे कहाँ हो मेरी प्यारी प्यारी गोरी बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। देखो मैं तुम चारों के लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ, साथ में मैच नेकलेस और बालियां भी, वैसे ये साड़ी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर खूब खिलेगी। माँ जी, आप हम चारों के लिए इतना सब कुछ लाई हैं, हमारी देवरानी के लिए कुछ नहीं लाई? अरे तुम अपनी पुरानी साड़ी अपनी देवरानी को दे देना, वैसे भी एक तो वो इतनी भद्दी दिखती है और ऊपर से इतनी काली है कि लाख की चीज भी उस पर खाक लगती है। माँ जी, हमारी देवरानी के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो हमारी उतरन पहने,
कंगना, कंगना जरा यहाँ तो आना। जी जेठानी जी। ये तुम्हारे लिए, और ये भी। इतनी सारी साड़ियाँ? देवरानी जी, अब तुम चार जेठानी की इकलौती देवरानी हो, इसलिए ये साड़ी हमारा प्यार समझकर रख लो। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन कामिनी संगीता के घर आती है। कैसे हो संगीता? वैसे तुम्हारे हाव भाव तो बता रहे अपनी काली बहू से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी बेटी रीटा तुम्हारे बेटे को कितना चाहती थी। बिल्कुल ठीक कहा कामिनी, मेरा मतलब कामिनी आंटी, रीटा ने कोशिश तो बहुत की थी मगर देवर जी ने उसे घास ही नहीं डाली। सच कहती हूँ संगीता, तुम्हारी ये चारों बहुएं बहुत ही घमंडी हैं, इन्हें जरा सिखाओ कुछ। संगीता गुस्से में कंगना को घूरती हुई वहां से चली जाती है। फिर एक सुबह संगीता सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है। माँ मेरी कमर। माँ जी अब ठीक तो है? गिरने के कारण संगीता की कमर में गहरी चोट आती है। उस वक्त कंगना दिन रात अपनी भूख प्यास भूलकर सास की सेवा में लगी रहती है। माँ जी दवाई खा लीजिए। संगीता अपनी करनी पर पछताती हुई कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे हमेशा तेरे काले रंग के लिए कोसती रही और हमेशा तेरी बेकदरी की, मगर तेरे दिल में कभी झांक कर देख ही नहीं पाई कि तू कितनी अच्छी है। ये कहकर संगीता कंगना को गले से लगा लेती है, जिस पर चारों जेठानी ताली बजाकर कहती हैं, ये हुई न बात माँ जी, देर से ही सही आपको हमारी इकलौती देवरानी की कदर समझ में आ गई कि वो दिल की कितनी अच्छी है। कंगना अपने आदर्श गुणों से अपनी सास के दिल में जगह बना लेती है। फिर एक दिन करिश्मा, ऐश्वर्या, अर्पिता और स्वाति पार्टी में जाते हुए कहती हैं, देवरानी जी हम चारों पार्टी में जा रही हैं, आप भी हमारे साथ चलो ना। मगर जेठानी जी मैं वहां जाकर क्या करूंगी, वहां तो सुंदर सुंदर लोग होंगे और मैं इतनी काली हूँ, फिर मुझे आप चारों की तरह मेकअप करना भी नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप चारों की बेइज्जती हो, मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसा कहते हुए काली देवरानी की आंखों से दुख के आंसू डबडब आ जाते हैं, जिस पर करिश्मा कहती है, देवरानी जी चलो हमारे साथ। करिश्मा कंगना को अपने कमरे में लेकर आती है, जिसके बाद चारों जेठानी मिलकर अपनी काली देवरानी का फेशियल ब्लीच करके उसका बहुत ही सुंदर मेकओवर करती हैं, जिसमें करिश्मा और ऐश्वर्या उसके बाल बनाती हैं, तो वहीं स्वाति और अर्पिता उसका सुंदर सा मेकअप करती हैं। देवरानी जी जरा नजर उठाकर खुद को शीशे में तो देखो। जैसे ही कंगना अपना बदला हुआ चेहरा शीशे में देखती है तो वो खुद को इतना सुंदर देखकर बहुत खुश होती है। क्या मैं सचमुच में इतनी सुंदर हूँ? अरे हमारी प्यारी इकलौती देवरानी तो हमारे लिए पहले भी उतनी ही सुंदर थी और आज भी है। हम चारों चाहते तो पहले ही तुम्हारा मेकओवर कर देते, मगर कहीं तुम्हें ये ना लगे कि हम तुम्हें बदल रहे हैं, इसलिए बस हम समय का इंतजार कर रहे थे। फिर चारों जेठानी कंगना को बाहर लाती हैं, तभी कामिनी वहां आ जाती है और कहती है, अरे ये चांद का टुकड़ा कौन है भाई? ये हमारी इकलौती देवरानी है कामिनी आंटी। क्या हुआ? 440 वोल्ट का झटका लगा। कान खोलकर सुन ले कामिनी, मेरी पांचों बहुएं मेरे घर की लक्ष्मी हैं, और एक बात, आज के बाद मेरा घर तोड़ने मत आना। संगीता की बात कामिनी के मुंह पर करारे थप्पड़ के जैसे लगती है और वो वहां से चुपचाप चली जाती है। तो वहीं कंगना अपनी चारों जेठानियों को बहन से बढ़कर जगा देती है और उनके साथ खुशी से रहती है। हॉल में बैठी मोना हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी, तभी डोरबेल बजता है। लल्लू देख तो सरा कौन डोरबेल बजा रहा है, आजकल के नौकरों के भाव बढ़ गए हैं, एक बार में सुनते ही नहीं, पता नहीं कौन जाहिल नॉन स्टॉप डोरबेल बजा रहा है। मोना जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने उसके चारों बेटे चार लड़कियों के साथ खड़े होते हैं। वेलकम होम माय सन, यू नेवर नो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कितना मिस किया। बट ये चारों गवार लड़कियां कौन हैं? प्रणाम करते हैं अम्मा जी, हम चारों हैं आपकी बहुरिया फ्रॉम बनारस। ये सुनकर मोना भड़कते हुए कहती है, What the hell is this going on? तुम जैसी जाहिल गवार मेरी बहू बनना तो दूर, मोना को मेड बनने के लायक भी नहीं हो। Enough मम्मी, निम्मो, रूपा, लाजो और अंगूरी हम चारों भाइयों की पत्नी और बंसल खानदान की बहुएं हैं। सुना आपने मिस्टर रूप रॉय, आपके बेटों ने शादी कर ली। जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम्हारी माँ तुम्हारे इस फैसले से खुश हो ना हो, मैं खुश हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम बाप बेटे का, अगर इतनी ही पसंद है तुम्हें ये चारों, तो खुद ही कर लो इन चारों गवारों का गृह प्रवेश। इसके बाद चारों गवार बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती हैं। अगली सुबह चारों बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर ससुराल वालों को परोसती हैं। तभी रूबीना गुस्से में कहती है,
What is this? अरे ओ मेरी गवार भाभियों, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है। This is दाल भात चोखा ननन जी। अंगूरी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर मोना और रुबीना उसे देखती रह जाती हैं। तभी गवार बहू टशन में कहती है, काहुई कमा ननन जी, खा गई ना झटका, हमको भी इंग्लिश आती है। पूरे 4 कक्षा तक अंग्रेजी पढ़े हैं, वो तो बस 5वीं में लटक गए। इन गवारों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। लल्लू, अरे ओ लल्लू, अरे उसको तो हम छुट्टी दे दिया हमेशा के लिए। अब घर के चार चार बहू के रहते नौकर की काहे जरूरत। रुबीना गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वहीं कई दिन गुजर जाने के बाद भी गवार बहुएं अपने मॉडर्न ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाती। तभी एक दिन मोना को अपनी मॉडर्न सहेली डिंपल का फोन आता है। मोना, तू तो बड़ी छुपी रिश्तम निकली, घर में चार चार बहुएं आ गई और तूने रिसेप्शन पार्टी भी नहीं दी। वो सभी कुछ इतना जल्दी में हो गया कि बताने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी ही रिसेप्शन पार्टी रखने वाली हूँ। अच्छा मैं करती हूँ। ऐसा कहकर मोना तपाक से फोन काट देती है। क्या हुआ भाग्यवान, मूड ठीक नहीं है क्या? अरे क्या खाक मूड ठीक होगा, पूरी सोसाइटी को पता चल गया कि हमारे घर बहुएं आई हैं, सब रिसेप्शन मांग रही हैं। अरे तो रख लो रिसेप्शन पार्टी। फिर मोना अपनी चारों गवार बहुओं को 4 मॉडर्न गाउन देकर कहती है, कान खोलकर सुनो मेरी गवार बहुओं, आज मैंने रिसेप्शन पार्टी रखी है, तुम्हें ये गाउन पहनना है। गलती से भी 6 मीटर की साड़ी मत लपेट लेना और हाँ अच्छे से मेकअप कर लेना, समझी? जी समझ गए अम्मा जी। चारों गवार बहुएं मोना का दिया हुआ गाउन पहन लेती हैं और जैसे तैसे मेकअप लपेट लेती हैं, जिससे वो बहुत ही भद्दी दिखने लगती हैं। अरे अंगूरी, निम्मो रूपा, दुकानदार माँ जी को ठग दिया है, ये गाउन तो फटा चीटा है, अगर हम ये नहीं पहने तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। लाजो, मेरे दिमाग में फास्ट फॉरवर्ड में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम चारों एक एक चादर लपेट ले। हाँ ये ठीक रहेगा। मोना, कहाँ रह गई तुम्हारी बहुएं? अरे आती ही होंगी। चारों गवार बहुएं चादर ओढ़कर पार्टी में आती हैं। तभी डिंपल मोना का मजाक बनाते हुए कहती है, मोना अरे कहाँ से उठा लाई इन नमूनों को, ये तेरे स्टैंडर्ड से जरा भी मैच नहीं हो रही है। मैं तो इन जैसी को अपने घर में नौकर भी नहीं रखूं। एनीवे हम चलते हैं। मेहमानों के जाने के बाद रुबीना कहती है, देखा मम्मी जी, आज इन चारों की गवारपंती के कारण हाई क्लास सोसाइटी में हमारा मजाक बन गया। मगर ननन जी, हम चारों ने ऐसा भी क्या गजब ढा दिया? चुप एकदम, चुप करो तुम चारों की गवार भाषा, मेरे कानों में चुभ रही है ये, आज तुम्हारे कारण हमारा तमाशा बन गया। मोना और रुबीना ने घंटों तक बेचारी बहुओं को भर भर कर खरी खोटी सुनाई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन, लाजो, रूपा, निम्मो, अंगूरी, अरे कहाँ हो मेरी गवार बहुओं? मैं आई डुकिंग माँ जी। अंदर आ जाओ, ये लो पैसे और जाकर बाजार से फल सब्जी खरीद लाओ। इसके बाद चारों गवार बहुएं फल सब्जी खरीद लेती हैं और घर आते वक्त उन्हें रास्ते में एक गाय दिखती है। चारों बहुएं उस गाय को घर ले आती हैं। आ गई तुम चारों? ओ गॉड, अब ये गाय किस लिए लेकर आई हो? माँ जी, ये दुधारू गाय है, इसे घर में रख लीजिए, हम सभी फायदे में रहेंगे। रोज इस गाय का दूध दुहकर चाय मट्ठा घी मिलेगा तो आपकी ककड़ी जैसी कलाई हट्टी कट्टी हो जाएगी। और तो और माँ जी, गौ मैया के घी से आपके झाड़ू जैसे बाल भी एकदम टन टनाटन हो जाएंगे। ओह गॉड, क्या करूं मैं इन जाहिलों का, मुझसे तुम चारों की गवार पंती झेली नहीं जाती और तुम ये गाय ले आई, इसे जहां से लाई हो वहीं छोड़ाओ। चारों गवार बहुएं उस गाय को सोसाइटी के गार्डन में चरने के लिए छोड़ देती हैं और अगली सुबह उसका गोबर इकट्ठा करके घर में ले आती हैं। चलो बहन, आज अपने ससुराल को गौ मैया के गोबर से अच्छे से लीप पोत देते हैं। हाँ चलो। चारों गवार बहुएं घर का हर सामान, फ्रिज, एसी, दीवार, फर्श, माइक्रोवेव, मिक्सी मशीन, वॉशिंग मशीन और हर सामान को गोबर से लीप देती हैं। तभी गोबर की बदबू से मॉडर्न ससुराल वालों की नींद टूट जाती है और सभी अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। ओ गॉड,
बस यही देखना बाकी रह गया था। क्यों मेरी गवार भाभियों, ये शुभ काम तुम चारों ने किया है? अरे इसमें भी कोनो शक है, ये पूरा घर हम चारों ने ही चकाचक किया है। ये सुनकर मोना गुस्से में अंगूरी को चाटा मारकर कहती है, हद होती है गवार पने की, जब से आई हो परेशान करके रखा है। पहले पूरी हाई सोसाइटी में हमारा तमाशा बनाकर रख दिया। जानती भी हो ये एयर कंडीशनर, एसी, फ्रिज और इन सब सामान का जिन पर तुमने गोबर की वाल पुट्टी चढ़ाकर उनका कबाड़ किया है, कितनी महंगी है। अरे लाखों का सामान था, ये तुम चारों की लुल्लुपंती के कारण आज नुकसान में हो गया। मामी इन गवारों को समझाने में अपना दिमाग खर्च मत करो, क्योंकि करती तो ये अपने मन की ही है। माँ जी हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, वो तो हमारे गांव में मान्यता है कि गोबर से घर लीपने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इसीलिए हमने ऐसा किया। अच्छा तो कहाँ है तुम्हारी लक्ष्मी माँ, क्यों नहीं करती वो नोट की बारिश? तुम गांव की गवार कभी पीपल का पेड़ पूजते हो तो कभी गोबर की पूजा करते हो, डिस्गस्टिंग। अब मुझे ही तुम्हें एक एक चीज सिखाना पड़ेगा। मोना अपनी चार गवार बहुओं को घर की हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाना सिखा देती है और धीरे धीरे अपने मॉडर्न ससुराल में एडजस्ट भी हो जाती है। तभी मोना कहती है, सुनो कल मेरे घर में छोटी सी पार्टी रखी है मैंने, इसलिए खास तुम चारों को कॉन्टिनेंटल और इटालियन खाना बनाना है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये कहकर मोना वहां से चली जाती है और चारों बहुएं अगले दिन खाना बनाना शुरू करती हैं। मगर अपनी सास की फरमाइश का खाना उनसे नहीं बन पाता, जिस पर थक कर बहुएं मुंह लटका कर बोलती हैं, ये तुमसे ना हो पाए गुड्डन। वक्त आ गया है शहरी ससुराल में किचन में देसी तड़का लगाने का। इसके बाद चारों गवार बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर पार्टी में आए मेहमानों को सर्व करती हैं, जिसमें थाली में दाल, चावल, चोखा, चटनी, अचार, रोटी भरा हुआ देखकर मोना और रुबीना भड़कते हुए कहती हैं, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है तुमने? तुम चारों ने ऐसा खाना इसलिए बनाया है ना ताकि हमारी इंसल्ट हो? ऐसा कहकर मोना अपनी गवार बहुओं को गुस्से से घूरने लगती है। तभी डिम्पल उसके पास आकर कहती है, मोना जो भी हो तेरी बहुएं हैं गजब की, इनका बनाया देसी खाना बहुत ही डिलीशियस था। मैं क्या हर एक पर्सन उंगलियां चाट रहे हैं? एक के बाद एक लोग आकर मोना से उसके गवार बहुओं की खूब तारीफ करते हैं। तभी रूपा कहती है, माँ जी इंसान चाहे शहर का हो या गांव का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो माहौल में खुशियां भर सकता है कि नहीं वो जरूरी है। मुझे माफ कर देना मेरी चारों बहुओं, मैं भी एक वक्त में गाँव से ही आई थी और पता ही नहीं चला कब इस हाई क्लास सोसाइटी की होकर रह गई। ऐसा कहकर मॉडर्न मोना अपनी गवार बहुओं को पूरी हाई क्लास सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराती है। तो वहीं रुबीना भी गिल्टी होकर चारों से माफी मांगती है और आखिर में गवार बहुएं अपनी शहरी मॉडल सास के साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।